हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। एज ऑलवेज मैं हूँ आराधना आपके साथ। दोस्तों, हिमांशी खुराना घर से बेघर हो चुकी हैं और घर से बाहर आने के बाद क्या कुछ खास कहा है हिमांशी ने, इसी बात का खुलासा हम करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। हम आपको बता दें कि हिमांशी ने घर से बाहर आकर काफी कुछ बोला है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये बिग बॉस के पूरे का पूरा एपिसोड, पूरे का पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है। इन्होंने इविक्शन इस बार प्लान कर रखी थी। बिग बॉस के मेकर जानते थे कि पारस छाबड़ा इस हफ्ते घर से बेघर हो सकता था, इसी वजह से बिग बॉस के मेकर्स ने ऑलरेडी पारस को बाहर निकाल लिया। और पारस ने कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है उंगली की, बल्कि हिमांशी ने इस बात का भी खुलासा करा है कि अपने बालों के पैच की वजह से पारस बाहर हुए। अगर आपको याद हो तो एक टास्क हुआ था जिसमें पारस के बाल निकल गए थे। पारस एक पैच लगाते हैं अपने बालों के अंदर, जिसके बाद उन्होंने बिग बॉस से जाकर बात की और बिग बॉस ने उनको सुझाव दिया कि आप घर से वेडनेसडे या थर्सडे को निकल जाइए और दो दिन बाद आप अपना पैच फिर से बनवा के वापस आ जाइएगा। हम आपको बता दें, जब आपको बालों का इस तरह का पैच बनवाना होता है तो आपको पूरा साइज, पूरे अपने बालों की जो क्वालिटी होती है वो सब टेस्ट वगैरह के लिए देना होता है। और इसी के चलते बिग बॉस के मेकर्स ने पारस को घर से बाहर किया और हिमांशी खुराना ने बाहर आकर इस बात का खुलासा किया है। साथ ही साथ हिमांशी ने यह भी कहा है कि बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीत जाएं और इसी वजह से वो बिग बॉस को इस तरह से चला रही हैं। घर के अंदर रहना आसान नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो वहीं हिमांशी ने बाहर आकर शहनाज के लिए भी काफी कुछ बोला है। हिमांशी ने बोला कि मैंने शहनाज से कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन शहनाज ने जब मेरे आखिरी के दो दिन थे, जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करा, जिस तरह से उन्होंने चीजें बोली, वो अनएक्सेप्टेबल है और मेरे उनके साथ टर्म्स कभी भी अब ठीक नहीं हो सकते। और अकॉर्डिंग टू हिमांशी, इस शो में असिम को काफी आगे जाना चाहिए और असिम डिजर्व करते हैं विनर बनना। वेल, दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? जो कुछ भी हिमांशी कह रही है, आपका उस पर क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग सीजन 13 की हर एक अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइस।